तमाशा, इश्क तमाशा। मेहराब, आप यहाँ क्यों आ गए? प्लीज यहाँ से जल्दी चलें, मुझे बहुत डर लग रहा है। किसकी कब्र है ये? ऐसी ही कब्र बनाकर तुम्हें तुम्हारे अरमानों समेत यहीं दफन कर दूं। अब बता क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं रहे? देखिए, अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं यहीं पे रुक जाऊंगी। अच्छा, तो ये खेल खेला जा रहा था मेरी नाक के नीचे? शर्म ना आई तुझे अपनी मां को बेवकूफ बनाते हुए? अरे, इस दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था तुम्हें। अम्मी, मैं आपको अपनी पसंद के बारे में बता चुका हूँ, आप प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए। उठो पीछे, मजबूर तो तुम हमें कर रहे हो अकेला की बेटी लाने को, जो मैं किसी कीमत पर नहीं लाऊंगी। अम्मी, आखिर पलविशा में बुराई क्या है? वो अच्छी है, खूबसूरत है और पढ़ी लिखी लड़की है, और सबसे बड़ी बात, वो आपकी सगी भांजी। अम्मी, आपको और क्या चाहिए? मुझे उसकी अच्छाइयों से कोई लेना देना नहीं है, हमारे भी कुछ ख्वाब हैं जो तुम्हें पूरा करने हैं। अम्मी, तो मैं कब मना कर रहा हूँ? अकेला की बेटी लाकर हमारी आंखें तो फोड़ना चाह रहे हो ना? अम्मी, वो ऐसा क्यों करेगी? आप उसको अच्छी तरह से जानती है ना? फिर बस, अब मैं कोई आगे बात नहीं सुनूंगी, जाओ।
ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? अस्सलाम वालेकुम साबरा। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ मेहराब, ये यहाँ क्या कर रही है? ये मेरी बीवी है, शादी कर ली मैंने इससे। तुम होश में तो हो? पागल तो नहीं हो गए तुम? ये क्या कह रहे हो तुम? फूफू मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, आप प्लीज अपने रूम में जाएं। ऊपर भी फ्लोर है, ऊपर छत है। मेहराब साहब का कमरा कौन सा? जी सामने। सबसे बड़ा कमरा उन्हीं का है ना? जी। पूछकर आप उस दिन गाड़ी लेकर गए थे ताकि मिश्रा मेरे बजाय इनको देखे, यही प्लान था ना आपका? वो मुझे रिजेक्ट करे और आप उसे मुझसे छीन ले, यही प्लान था ना आपका? फूफू इत्मीनान से मेरी बात सुनिएगा।
इतना गिर सकते थे मेहराब, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अपने भाई के खून की लाश तो रखी होती मेहराब, लेकिन नहीं, तुम तो अपने बेलगाम ख्वाहिशों पर उसको कुर्बान कर चुके हो ना। प्लीज बस, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि मुझे मेहराब अरम के कातलों में तुम्हारा चेहरा भी नजर आ रहा है। अरम सच कहता था, बिल्कुल सच कहता था वो, कि तुम इतने खुदगर्ज हो कि अपने मफाद के आगे तुम्हें और कोई दिखाई नहीं देता। अरे कुछ तो सोचा होता मेहराब, वो तुम पर जान देता था और तुम उसके कातिल को अपनी दुल्हन बनाकर इस घर में ले आए। ये क्या किया तुमने मेहराब, सोचा भी नहीं तुमने, ये क्या कर दिया तुमने मेहराब। वो देखें साबरा, जल्दी से पानी लेके आओ। ये किसी शदीद सदमे के ज़ेरे असर हैं, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएंगी इंशाल्लाह। शुक्रिया। चलें मैं चलती हूँ। मार्च से मिले अब कुछ ज्यादा, शॉप ग्रोसरीज वर्थ ऑफ रुपीज 3000 एंड गेट गिफ्ट कार्ड वर्थ रुपीज 500 फॉर फ्री। हम मार्ट करे लाइफ आसान। जो चाहा था वो पा लिया। वैसे भी अगर जिद पक्की हो तो इंसान हासिल कर ही लेता है चीजों को। कमरा सजा ही लेते। खैर मैं आ गई ना, सब कुछ खुद अपने हाथों से सजाऊंगी। खालामा अभी तक हलवा तैयार नहीं हुआ, मुझे लगता है नाश्ते के वक्त हम नहीं पहुंच सकेंगे। अरे बस बस देखो ना, तैयार हो गया है, छुरी तले दम तो लेने दो। आपको पता तो है कि रुशना भूख की कितनी कच्ची है। हाँ रुशना तो मेरे हाथ का हलवा खाने के लिए उतावली रहती है। अरे तुम जाओ तैयार तो हो जाओ भाई।
कहाँ जाने की तैयारी है? रुशना के ससुराल जा रहे हैं नाश्ता लेकर। चलें अम्मा, हम तो तैयार हैं। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, अंदर जाओ तुम लोग। क्या बात कर रहे हो बाहर? रुशना के ससुराल का मामला है, बोलो। तो उसके घर से कौन आया था जो आप इतना सब कुछ कर रही हैं? देखो बहाज, उसकी हमने शादी की है, भाग कर नहीं गई है कि नाश्ता न लेकर जाए। एक ही बात है, इस तरह होती है शरीफ लड़कियों की शादी। बहाज, ऐसी कोई अनहोनी नहीं करती उसने, पसंद की शादी की है ना भाई, और इतना बड़ा जुर्म नहीं है पसंद की शादी करना जिसे माफ ना किया जाए। अच्छा, पसंद की शादी करने में कोई खराबी नहीं है? बड़ी बात है, बेटी के मामले में तो बहुत जल्दी सोच बदल ली आपने। अरे वहाज बेटा, किन बहस में पड़ गए हो तुम? और पलवा शाह, मुझे जल्दी दे बादाम, हलवा तैयार हो गया, इसमें डालूं मैं। लड़की तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। जी खाला, मैं बस जा रही हूं। तुम यहां कैसे? मेरा देखो कैसी लग रही हूं मैं? ये सब कुछ क्या है कृष्णा? तुम यहां कहां से आ गई? मैं तो मेहराब को ढूंढ रही हूँ। रात को दुल्हन बना के लाए और पता नहीं कहां चले गए। तो एक घर इतना बड़ा है, एक दरवाजा खोलो तो हमारे घर जितना एक और नया घर निकल आता है। दुल्हन? ये क्या कह रही हो तुम मेहराब? ऐसा नहीं कर सकते। मेरा, मेरे ख्वाबों का शहजादा मुझे मिल गया। मैं तुम्हें कहती थी ना कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ, जो चाहती हूँ यूं हासिल कर लेती हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम रुशना? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन एक बात का बहुत अफसोस है यार, ये अरहम के साथ क्या हुआ? तुम्हें शर्म नहीं आती ना? तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देती हो और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुमने क्या किया है। रुशना, मेरा, ये सब कुछ क्या है? मेहराब, आपने बताया नहीं कि कल हम दोनों ने शादी कर ली? मेरा, मैं अब आ गई हूं ना, देखना तुम्हारी शादी वहाज भाई से करवा के छोड़ूंगी। तुम क्या कह रही हो यहाँ पे? मैं आपको ढूंढने के लिए निकली थी। किसकी इजाजत से? लो, अब तो ये मेरा घर है, अब अपने घर में घूमने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत है? मेरी इजाजत के बगैर तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। आप मुझे बीवी बना के लाए या कनीज? बहुत जल्द समझ जाऊंगी। क्या? मैं तुम्हें जवाब देने का पाबंद नहीं हूं। चलो। मेहराब, 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 मेहराब। हाँ, मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। बात करो। ऊंची आवाज सुनने का आदी नहीं हूं। लेकिन मैं बात दोहराने का भी आदी नहीं हूं। चलो मेरे साथ। रचना बाजी हमें देखकर कितना खुश होंगी ना? बहुत ज्यादा। आपने उन्हें बताया उस पर भी आ रही है? नहीं, हम उन्हें सरप्राइज देंगे। कैसा?
तुम्हारे घर वाले आए हैं तुमसे मिलने के लिए। आ गए? उन्हें साफ साफ मना कर दो, यहां से अभी चले जाएं। मगर क्यों? अम्मी नाश्ता लेकर आई होंगी, वो हलवा बहुत अच्छा बनाती। तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूं? वरना अभी और इसी वक्त तुम्हें उनके साथ वापस रुखसत कर दूंगा। जी हाँ, ये जो मेहमान बाहर खड़े हैं ना, इनसे बात कराओ। करो बात। हेलो अम्मी। अरे रुशना दरवाजा खुलवाओ, बाहर बहुत गर्मी है, हम लोग नाश्ता लेकर आए हैं तुम्हारे लिए। आप चली जाएं अम्मी, दोबारा आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्या क्या कह रही हो तुम? उस बार बलवशा भी मेरे साथ है, दरवाजा खुलवाओ भाई, बहुत गर्मी है। मैं कह रही हूँ ना, आप चली जाएं यहाँ से, मानती क्यों नहीं आप मेरी बात? रुशना जो देखो रिक्शे वाला खड़ा है या चला गया। क्या हुआ अम्मी, हम अंदर नहीं जाएंगे क्या? तुमसे मैं जो कह रही हूँ वो करो, रिक्शे वाले को देखो जाकर। चलो आपकी चाय? नहीं पीनी मुझे। साबरा तुम एक काम करो, जाके मेरा सूटकेस निकाल कर मेरे कमरे में रखो। जी With the biggest stars of Pakistan, Kubra Khan, Nikal Zulfikar, Harim Farooq, Ahad Raza Mir, Hania Amir. Saturday, 28 July. Tickets available at Ticketmaster. आंटी कहाँ गई हैं? वो अभी भी बाहर गई हैं बैग लेके, साहब को बताए बगैर। ऐसी चुपचुपाती शादी तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है। मेहराब कहाँ है? वो ऊपर है, मगर साहब बहुत गुस्से में लग रहे हैं। चाय बना दूँ आपके लिए? नहीं थैंक यू।
आप मेरे साथ ऐसा? मेरे घर वाले कितने प्यार से आए थे, आपने उनको दरवाजे से ही रुखसत कर दिया। मेरी माँ क्या बीत रही होगी उस पर? अगर इस घर में रहना तो इन चीजों की आदत डालनी होगी तुम्हें। शादी सादगी से हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने कोई भी अरमान पूरा नहीं करूंगी। और आपने मुझसे निकाह किया है, भाग कर नहीं आई हूं मैं, समझे? ख्वास बंद कर अपनी, वरना वरना क्या, जान से मार दोगे? इतना आसान नहीं है रुचना को जान से मारना, समझे? गीला, हमारी रुशना ऐसा नहीं कर सकती। अरे खाला मां, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर रुशना ने ऐसा किया क्यों? क्या कुछ नहीं किया मैंने उसकी खातिर? क्या हुआ, आप लोग इतने जल्दी क्यों आ गए? अरे मिलना तो दूर की बात, अंदर ही आने नहीं दिया। एक तो मुझे समझ नहीं आता, वो लड़की हमसे सारे ताल्लुक तोड़ के चली गई है, अब आप लोग आराम से बैठें और बाकी दो बेटियों के बारे में सोचें। देख देख लिया कलम, आज कैसा तल्ख हो गया। अरे बेटा, हालात ही ऐसे हो गए ना, इसीलिए चिड़चिड़ा हो गया है। मैंने तो कभी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहा था, फिर भी पता नहीं खाला मैं ये सब मुझसे क्यों खफा है। अरे अपना जी छोटा मत कर, नया नया घर है, अमीर लोग हैं, हो सकता है हमारी रुशना डर गई हो। जब वो फोन करेगी ना तो उससे पूछ लेना। हाँ भाई, औलाद चीज ही ऐसी है, माँ बाप बेचारा दिल के हाथों मजबूर। मेरे साथ मेहराब ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम खाला, क्या चाहती हो तुम? जी अगर तुम रुशना के नक्शे कदम पर चलने का सोच रही हो ना, अभी से बता रही हूँ, मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो, मैं दाजाई तुम जैसी लड़कियों से। Thank you.
कुलसुम ये तुम क्या कह रही हो? अरे इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई कुलसुम? ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है वकीला बेगम, अच्छी तरह जानती हूँ मैं तेरी चलाकियों को। खुद तो मेरी आंखों में धूल झोंककर गुफरान के पीछे लगा दिया अपनी बेटी को मुट्ठी में करने के लिए। अरे अरे वो ऐसा क्यों? खाला अम्मा देख रही हैं, ये सिला दिया इसने मेरे एहसानों का। बता कौन से एहसान? हर कदम पे मैंने तेरा साथ दिया है, अब बेटा तो कुर्बान करने से रही मैं। अब तुम हद से बढ़ रही हो कुलसुम। हद से तो तुम्हारी बेटी बढ़ रही है जो मेरे बेटे के हाथों से लेकर गजरे पहनती है, मिठाइयां खाती है। और ये अकीला बेगम अपनी बेटियों को लगाम दे, ये जो थोड़ी बहुत तुम्हारी इज्जत बची है ना, इसका भी जनाजा निकल जाएगा चौराहे पर। बस अब एक लफ्ज भी तुमने निकाला ना अपने मुंह से, तो तुम अपनी बेटी को लगाम दो, मेरी जबान अपने आप बंद हो जाएगी। और मैं कह रही हूँ मेरे बेटे को सुहाने ख्वाब दिखाने छोड़ दो, वो वही करेगा जो मैं चाहूंगी। अच्छा तो मेरी बेटियों के लिए भी रिश्तों की कमी नहीं है, एक से एक आला खानदान का रिश्ता पड़ा है मेरी बेटियों के लिए, तुम्हारे बेटे की आस पर नहीं बैठे हम। अरे तुम दोनों को क्या हो गया है, बैठकर बात करो। रहने दे खाला अम्मा, बैठकर बात करने का वक्त गुजर गया, इसने जो मेरी पीठ के पीछे वार किया ना उसका हिसाब तो इसे देना पड़ेगा। और मैं आखिरी बार कह रही हूँ अपनी बेटी से कह दो मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। अरे तुम समझाओ अपने बेटे को, वही होगा जो मेरी बेटी के पीछे पड़ा होगा, वरना मेरी पलवशा ऐसी नहीं है। अच्छा तुम्हारी पलवशा ऐसी नहीं है, ये खड़ी है पूछो इससे, बताओ जरा माँ को, बताओ जरा अपनी माँ को बताओ। मम्मी मैंने कुछ नहीं किया। अरे बस भी कर दो, लड़ी जा रही हो। ए कुलसुम बात कर रही है ना, तो सोच समझ कर बात कर, इतनी बात कर के बाद में तू आंख भी मिला सके। बस कर दे खाला माँ, तू तो रहने ही दे, हमेशा इसकी वकालत की है, मैं तो जैसे आपकी कुछ लगती नहीं हूँ, सारा कसूर मेरा ही होता है। अरे एक बात कह देना इसको, मैं जा रही हूँ और अपने बेटे की शादी वही करूंगी जहाँ मेरी मर्जी होगी। हाँ तमाशा इश्क तमाशा।